खजरा में ये क्वालिटी है ना, क्योंकि तकरीबन उसको 1.5 साल या 2 साल हो गया खजरा अभी ज़्यादा, अभी माशाल्लाह सीखने का उसका उम्र है और नहीं सीखी जब तो 16 साल उसका उम्र है। अभी वो यूथ में आएगी, यूथ के बाद सीनियर में आएगी, माशाल्लाह उसको दुआरें मिलेंगी इंशाल्लाह, बाल मुड़ जाएंगी इंशाल्लाह। ट्रेनिंग कर रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छा कर रही है, मारता भी हूँ डांटता भी हूँ, ट्रेनिंग कराता हूँ, करती है, रेगुलर आती है माशाल्लाह, कोई छुट्टी नहीं करती। एक्सरसाइज में तो है बहुत ज़बरदस्त है, लड़का लड़कियाँ जब मैं ट्रेनिंग कराता हूँ तो उसको पता है जो ट्रेनिंग नहीं करेगा तो उसको बाहर भी खाएगा, ट्रेनिंग करते हैं लाजमी करते हैं, बिल्कुल टफ ट्रेनिंग होती है मेरे। कोई न्यू लड़का भी आता है, लड़की आती है, मैं तो मेरा ट्रेनिंग बहुत टफ है माशाल्लाह से। 2 लड़कियाँ इसी क्लब के हैं, मेरिन और मारिया, वो भी इंटरनेशनल बॉक्सर है माशाल्लाह, दोनों इंटरनेशनल बॉक्सर है माशाल्लाह। मैंने 2021 से बॉक्सिंग स्टार्ट किया है। मेरा फेवरेट बॉक्सर मारिया बलोच। फर्स्ट टाइम कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा, यानी कि बहुत परेशानी कि किस तरह खेलना होता है। फर्स्ट फाइट था तो उस्ताद ने थोड़ा सपोर्ट किया, उसके बाद मैंने गेम खेला माशाल्लाह अच्छा, मगर मैं यानी कि विनर हो गई थी, फर्स्ट फाइट विनर हो गई थी। 2021 से लास्ट में मेरा फाइट था। मेरा फर्स्ट फाइट प्रोजेक्ट क्लब में था, सेकेंड अपने क्लब में था लिल डब्ल्यूसी, उसके बाद थर्ड मेरा था कैपेटी ग्राउंड, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट क्लब में था कंकरी में था अपने ही क्लब एल डब्ल्यू में, मेडल थी और एक कप है बकाया मेडल सर्टिफिकेट वगैरह। बस अचानक लग गया था आंख में, एक दफ़ा जबड़े में लग गया था तो कुछ खाने पीने में मुश्किल हो रहा था, उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं ठीक हो गई, मगर फिर भी मैं अपने क्लब में आती थी ट्रेनिंग करने के लिए। मैं मुतमईन दिल से कराते हैं उसका ट्रेनिंग, हमें अपने बच्चों की तरह संभालते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं जैसे कि उसके अपने बच्चे हैं, वैसे हम लोग जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी ले के ही ट्रेनिंग करवाते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करवाते हैं, रनिंग करते हैं, वार्म अप करते हैं, उसके बाद रनिंग करते हैं, शोडो स्पायरिंग रस्सी चलाते हैं हम लोग, बैग मारते हैं, पैडिंग करते हैं। जो आम लाइफ है उनमें भी थोड़ा फ़र्क होता है, जो बॉक्सिंग करते हैं उनमें भी फ़र्क है, स्टेमिना होती है उनके साथ साथ, यानी कि मजबूत होते हैं, फिटनेस होता है उन लोग का, हर चीज़ का खाने पीने का भी ख्याल करते हैं वो। एक्स्ट्रा जैसे कि मैं लीमू पानी इस्तेमाल करती हूँ ट्रेनिंग के दौरान, पानी नहीं पीती, वो भी बहुत कम, कि ट्रेनिंग के दौरान पानी पीना अच्छी बात नहीं होती, उस्ताद ने हमें बताया कि ट्रेनिंग के दौरान पानी पीना नहीं चाहिए, मतलब वो कोई सपोर्ट नहीं करता, हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, कोई हमें सपोर्ट दे और हम लोग आगे बढ़े। बॉक्सिंग के फ़ायदे बहुत हैं, जैसे कि एक बंदा बॉक्सिंग करता है उसे उसका नाम भी रोशन होता है और उसका इज्जत भी बढ़ता है। लोग कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकते ना, मगर लड़कियां कर सकते हैं, उन्हें मौका तो दो वो कर सकते हैं, मौका नहीं देते वो कैसे करेंगे। लोग कहते हैं लड़कियां कुछ नहीं कर, लड़कियां कर सकते हैं, उन्हें मौका तो दो एक दफ़ा। जैसे कि हम लोग अपने वालदेन से ज़िद कर करके आए हैं यहाँ पर, भाई सपोर्ट कर रहे हैं, अब्बू सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिराज सिंह है, मेरा पेशा ये पंचर का है, मैं पंचर का काम धंधा करता हूँ, अपने अखलाल रोजी कमाता हूँ। ये हमारे बच्चे हम चाहते हैं मुल्क के लिए नाम रोशन करें, अपना अच्छे खिलाड़ी बने, और कि ये इनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो, अक्सर नाइंसाफ़ी बहुत होता है इनके साथ। तो मेरी रिक्वेस्ट ये बड़े लोगों से, अहदेदारों से, इनकी तरफ भी ये लिहाजी के गरीब बच्चे माँ बापों के, तो इनको भी आगे बढ़ाया जाए, इनको अच्छी फैसिलिटी दिया जाए, तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। जो कोई खिलाड़ी बनेगा तो मुल्क के लिए बनेगा, पाकिस्तान के लिए बनेगा, पाकिस्तान के नाम को रोशन करेगा। तो मेरी दुआ यही है कि अल्लाह उसको कामयाब करे, हम सब बच्चे बच्चों को, उनको जो अपनी मेहनत करके काम कर रहे हैं वो अपनी मेहनत करें। बच्चा जिस तरह मेरी बच्ची जो है 9th क्लास में पढ़ती है हर रही स्कूल में,
वहाँ पढ़ती है, उसके बाद अपना काम काज करके वहाँ करके उसके बाद फिर रात को जाता है वो अपनी कोचिंग के लिए जाता है। वहाँ से कोचिंग करके तकरीबन 11 बजे वो आते हैं घर पे। उसको बहुत लगन है काम के साथ अपने, तो लिहाजा मेरा कहना यही है कि इनको सहूलत दिया जाए, इनको परिस्थिति दी जाए, इन बच्चों के जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिल लगे, बच्चे और बच्चों का चाहे फुटबॉल हो, चाहे बॉक्सर हो, चाहे वॉलीबॉल हो, कोई भी गेम हो, उनके लिए उनके साथ उनको तवज्जो दिया जाए। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों को। बाकी बच्चे माशाल्लाह दिल खोल के मेहनत कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, इनको अपने मकसद में पहुँचाए, मेरी गुजारिश है। बच्ची को जितना हो सकता है उस हिसाब से करें, गरीबी लिहाज से जो हो सकता है उसके हिसाब से ख्वाहिश पूरे करते हैं। उसके भाई है वो भी करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ये भी खेल चुका है उसके भाई, नूर से नाम है उसका, वो भी मेरे साथ में काम करता है। तो अब उसके ख्वाहिश है जो कुछ ज़रूरत होता है उसके गेम के लिए हम लेके देते हैं उसे। बाकी आगे अल्लाह खुद बेहतर करने वाला है, बेहतर करेगा, सबके लिए बेहतर करेगा। मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ लड़कियों को, वो भी मेहनत करें, मेहनत करने दिल से मेहनत होती है, हर चीज़ दिल से होता है, दिल से जो मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, दिल से नहीं करोगे कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे, यही तक होगे। जैसे कि अपने दिल में सोचते हैं कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ूँ, आप मेहनत करो दिल से तो आगे बढ़ोगे, आप मेहनत दिल से करो। मेरी ख्वाहिश ये है कि जैसे कि हम मेहनत करते हैं सब लोग करें, और तमाम वालदेन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और कुछ बनाएं भी साथ।